सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, और इस शाम के वक्त हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, जो भी आज आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं, इनको आप शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन में सुख और शांति देने वाले पिता आप हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। इन्हें आशीष देने वाले, बरकत देने वाले, संभालने वाले पिता परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना में जुड़ते हैं और इस कलीसिया से जुड़ते हैं, खुदा उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आज मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये चल रहा है। मेरे भाइयों, मनुष्य के जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं आएंगी, आप जानते हैं, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर समय के अनुसार आपके जीवन में हर वो काम करेगा जो आपको चाहिए। जो आपको परमेश्वर देना चाहता है वो आपको परमेश्वर देगा। जो आपके जीवन की जरूरतें हैं उसे परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। आज अपना दिल खोल करके परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और परमेश्वर से, खुदावन से प्रार्थना करना कि हे पिता, आज मेरे अपराधों और गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता, मुझे आशीष देने वाले, मुझे बरकत देने वाले। हम सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें, अपने मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से खुदावन का धन्यवाद करें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो भी कुछ मैंने सारा दिन किया उसमें आपने मेरी अगुवाई की, आपने मेरी मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। कभी भी उदास नहीं होना है। जीवन में भी कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आपको हमेशा तैयार रहना है, वो जंग लड़ना है। आपको डेली जंग लड़ना पड़ता है मेरे प्यो, आपको डेली लड़ाई करना पड़ता है मेरे प्यो, आपको आत्मिक लड़ाई करना है। यहाँ पे मैं शारीरिक की बात नहीं करता हूँ, आपको आत्मिक युद्ध करना है मेरे प्यो, रोज करना है, डेली आपको करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना आपको हमेशा करना पड़ेगा, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप स्ट्रांग होंगे, आपके बच्चे मजबूत होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार की खुशियां को देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यों, आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। हम पढ़ना चाहेंगे दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता अध्याय 51 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे प्यो, ये वचन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के रूप में आज हैं हम, तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर जन्म से ही होता है। मेरे प्यो, पाप का स्वभाव, ये बाइबल हमें बताती है कि जो पुत्र जन्म लेता है, जो बेटी जन्म लेती है, उसके अंदर पाप का स्वभाव ही होता है। तो पाप होना स्वाभाविक बात है, लेकिन परमेश्वर से ये कहना मत भूलिएगा कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा और अपनी सामर्थ, तुम तो हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर हो, के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, मिटा दे मेरे जीवन से पिता। जिस दिन आप ये प्रार्थना करेंगे और वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मुझे भली भांति धो करके मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा करके मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मैं ये पाप नहीं किया हूं। जो भी आप पाप किए हैं वो आपको पता है। इस बात को एग्री करना, इस बात से सहमत होना, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, तभी आपको जवाब देगा। आपको हटीले नहीं बनना है। जिस तरीके आप अपने पिता के सामने हर एक बातों को बोल देते हैं, जो अच्छा किए होते हैं, जो गलत किए होते हैं, क्योंकि आपके पास वो समझ नहीं होती है। एक बच्चा छोटा सा होता अपने पिता के सामने हर एक बातों को बताता है,
क्यों? क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं होती है कि मैंने ये किया। अब उसमें उसका पिता बताएगा कि तूने क्या गलत किया इसमें और क्या सही किया है। तो उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसे हमें बताना है कि पिता मेरे जीवन में ये गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई है, या मेरी वाइफ से, या मेरे पत्नी से, या मेरे बेटे से, या मेरे जीवन से, या मेरे हर एक कामों से किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई गलतियां होती है। तो खुदा आपको प्यार करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप सच्चे हैं। जिस दिन आप अपने हृदय से बोलना स्टार्ट कर देंगे, पिता हम किसी संसार के लोगों के सामने थोड़ी बोल रहे हैं कि वो हमारा मजाक उड़ाएगा, नहीं मेरे प्यों, संसार के लोगों के सामने नहीं, इस पृथ्वी के लोगों के सामने नहीं, आप उस खुदा से कहिए जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस संसार की रचना की, इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने रचा, इसकी सृष्टि की, इसकी उत्पत्ति की, परमेश्वर ने बोल बोल करके हर एक चीज को बनाया, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हथेली में खोद करके अपनी तस्वीर के द्वारा बनाया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर कितना प्रेम करता है, आज हमें परमेश्वर कितनी सामर्थ देता है, कितनी ताकत देता है। आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ते हैं, खुदा उनके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा। जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज आपके बाद अपना किसी भी प्रकार का पाप को नहीं छिपाएंगे। क्यों? आप अपने भाई से नहीं कह सकते हैं, आप अपने माँ से नहीं कह सकते हैं, आप अपने पिता से नहीं कह सकते मैंने गलत किया, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तो कह सकते हैं कि उससे भी कहने में आपको शर्म लगती है। यदि उस परमेश्वर से कहने में आपको शर्म लगती है तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी शर्म करता हूं, क्योंकि जब तू मेरी बातों को नहीं मानता और तू अपने मन की बातों को नहीं बताता खुल करके और उसे मतलब स्वीकार नहीं करता कि मैंने ये गलत किया है, तो परमेश्वर कैसे प्रेम करेगा आपको। हालांकि परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि जब हमारा परमेश्वर हर एक अपराधों गुनाहों को जानता है तो क्यों नहीं मिटा देता है पाप को हमारे जीवन से। मेरे प्यों, यदि आप उस पाप को नहीं जानेंगे तो ये कैसे समझेंगे कि मैंने पाप किया है। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मान कि मैंने पाप किया है, पहले तो मान कि तूने पाप किया है, खुद को मान कि तूने ये गलत किया है, तब परमेश्वर कहेगा तुझे एहसास होगा आने वाले समय में तू गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तुझे सही और गलत का फर्क बता दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी है और न्याय करने में निष्कलंक है। मेटियो, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। जब वो अपने इकलौते पुत्र का पक्ष नहीं लिया मेरे प्यों, तो हम क्या हैं? जब उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, परमेश्वर चाहता तो बचा सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरे संसार का पाप था और प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों के द्वारा पापी ठहराए गए। तूने परमेश्वर ने सजा दिया, कहा कि तुम क्रूस पर चढ़ाए जाओगे और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठोगे। तो आज हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? आज उस न्याय करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, आज उसके लहू के नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, भाला मारा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गईं, किसके लिए? हम सब मसीह भाई बहनों के लिए। आज जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, खुदा उन्हें बचाने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप क्या घबराएंगे? कभी भी नहीं घबराएंगे मेरे प्रियों। इसीलिए खुदावंत का वचन कहता है कि पहले तुम अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। संसार के लोग कहते हैं ना, पहले तू अपने अंदर झांक करके देख, और वो बात सत्य है मेरे प्यों। यदि जिस दिन हम अपने आप को, अपने पापों को मान लेंगे कि नहीं हम पापी हैं,
उस दिन खुदा आपके साथ खड़ा होगा। उस दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी हर पल हर समय हर घड़ी होगा। उस समय उसके स्वर्गदूत आपकी हर पल हर समय हर घड़ी रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सच्चे मन से परमेश्वर से बोलते हैं। हम इंसानों से झूठ बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गलत नहीं किया, मैंने ये पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के सामने आप नहीं झूठ बोल सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वो हर एक बातों को जानने वाला है। इसीलिए आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, कि परमेश्वर ने कहा जिसके अंदर पाप होगा और वो अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे मैं माफ नहीं करूंगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मान लेते हो कि मैंने पाप किया है, या हम सभी लोगों ने पाप किया है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के मानते हैं कि खुदा हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर, और मुझे इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता कि ये गलती दोबारा मुझसे ना हो। हालेलुया। इस तरीके जिस दिन अपने मन से बोलने लगेंगे, खुदा आपके जीवन में उतना काम करेगा, इतनी ब्लेसिंग करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके समाज में परमेश्वर आपको अलग कर देगा, परमेश्वर आपको बहुत अलग करेगा और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने के लिए इस सृष्टि पर आया, और परमेश्वर के लहू के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने पाए, हमें आशीष देने पाए, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों को छुए। आज जो किसी भी प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से आज जूझ रहे हैं खुदा, उन्हें आशीष। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इसमें सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं, मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहने हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है
तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर उसे पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आपने जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है हमें, हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु निर्बलता इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटी के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
चाहें तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।